हमारे सहयोगी भी रणभूमि में डटे हुए, हमारे तीन सहयोगी हैं और हम फिलहाल रुख करेंगे सहारनपुर का। देखिए सहारनपुर जैसे उबैदुर मुरादाबाद से कवर करते आए, सुबह से तस्वीरें दिखाए हैं, हमारे सहयोगी शैलेश ने किस तरीके से गोरखपुर पर नजर बनाए रखी वो पूरे दिन हमारे दर्शकों ने देखा। सनुज का रुख इसलिए करते हैं क्योंकि जहां से सीएम योगी ने चुनाव प्रचार शुरू किया था अखिलेश वहां खत्म करने वाले हैं और उनकी सभा। सनुज माहौल क्या रहा, कैसे रिपोर्ट काट रहा, पूरा दिन आप रहे सहारनपुर में? देखिए रणभूमि का आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और तमाम दिग्गजों ने पूरी जो ताकत है वो वहां पर सहारनपुर में झोंकी है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में चुनाव माहौल बनाकर गए थे, आज अखिलेश यादव ने भी यहां पर रोड शो किया और ये कोशिश की कि साइकिल जैसे भी हो वो सीधे दौड़ते हुए सहारनपुर नगर निगम तक पहुंच जाए। बीएसपी भी पूरी मजबूती से चुनाव में डटी हुई है और बीएसपी पूरी ऐसी एक रणनीति पे काम कर रही है कि इस बार बीजेपी को हराकर यहाँ पर हाथी चिंगाड़ता हुआ सहारनपुर नगर निगम में पहुंच जाए। हमारे साथ यहाँ पर जो बीएसपी की प्रत्याशी हैं खदीजा मसूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, आज आखिरी दिन है और कुछ ही वक्त बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, किस तरीके से रहा, कहाँ तक आप खुद को मजबूत मान रही हैं? चुनाव प्रचार बेहद कामयाब रहा हमारा, हम जब से निकले थे पहले दिन से ही लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। जनता सहारनपुर की त्रस्त है, कोई यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट का काम जो ऐसा है कि नहीं करा गया है। हम गली मोहल्लों में गए, वहाँ पे गंदगी देख के आप यकीन मानिएगा दिल निकल गया, मतलब कैसे जनता वहाँ पे सर्वाइव कर रही थी। और इसी तरफ बढ़ने का आगे काम करेंगे, जहाँ जहाँ गए देखिए कोई नए नहीं है, इमरान भाई यहाँ पे कोई परिवार हमारा नया नहीं है, हमेशा इस तरफ काम करा है, हमेशा इस तरफ अग्रसर हुए हैं, लोगों को ये पता है, लोगों ने इसी पे समर्थन दिया है और जिताने का पूरा आश्वस्त करके भेजा। मुकाबला किससे मान के चल? मुकाबला हमारा यहाँ पे किसी से भी नहीं है, आपको विरोधियों के बौखलाहट देख के और प्रोग्राम देख के पता चल रहा होगा, जनादेश इमरान भाई के हमारे साथ बहन जी के साथ है और ये आप देखिएगा 13 तारीख को टूट। अच्छा अखिलेश यादव वाले तरह तरह की बातें, तरह तरह के आरोप कि बस साइकिल को मजबूत कर दीजिए और कोई टक्कर में? देखिए अखिलेश जी सम्मानित नेता हैं हमारे, बड़े नेता हैं, पर वो जिस व्यक्ति के समर्थन में आए हैं उन्हें खुद को लोकल मुद्दों का कुछ नहीं पता। नगर निगम का चुनाव लोकल मुद्दों का चुनाव होता है, साइकिल के समर्थन से पहले हमारे गली मोहल्लों के हालात, हमारी बहनों के लिए सड़कें सुरक्षित करना हमारा मुद्दा है। प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं, क्या लगता है क्या इस बार सहारनपुर की जनता तैयार है एक महिला को सहारनपुर की कमान देने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, मैं इनसे सवाल ले लेता हूँ। अच्छा ये बताइए क्या सहारनपुर की जनता ये फैसला कर चुकी है कि एक महिला को सहारनपुर नगर निगम की कमान इस बार दे दी? महिलाएं मल्टीटास्कर होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मैं बार बार ये कहती आई हूँ कि ये इलेक्शन महिलाओं का इलेक्शन होता है, नगर निगम एक लोकल इलेक्शन है, लोकल मुद्दे महिलाओं के लिए होते हैं, मोहल्ला की साफ सफाई, नालियों की निकासी, बीमारी ना हो, उनके लिए सुरक्षा आगे प्रदान करना, ये सब मुद्दे महिलाओं के हैं। 50% वोटर नगर निगम में महिलाएं हैं, महिलाएं ही बनाएंगी, महिलाएं ही बिगाड़ेंगी। अच्छा आधी आबादी की बड़ी ताकत है, आपको लगता है वो ताकत आप? बिल्कुल है, इस बार महिलाओं का जोश मुझे पुरुषों से ज़्यादा लगा है, हम जहाँ पे भी गए हैं जोर शोर से निकल के आती थी, काम होते थे उन्हें छोड़ के आती थी, तो इंशाल्लाह इस बार देखिएगा आप सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हमारे जिले में रहेगी और बहुत बड़ी बहुमत से महिलाएं वोट करेंगी। एक वक्त पे भरोसा साइकिल पे था, क्या जनता को भरोसा अभी साइकिल से उतर करके हाथी पर आया है? क्योंकि अभी उनके मुंह से भी निकल गया कि अपने नेता हैं अखिलेश यादव। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल ले लेता हूँ मैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जैसे साइकिल की थी, नान भाई पहले उधर थे, लेकिन आपको लग रहा है कि अब जैसे जब हाथी की सवारी पर हैं तो लग रहा है कि जनता का भरोसा हाथी के साथ है और हाथी को मजबूत करके नगर निगम? देखिए बहन मायावती जी खुद एक महिला हैं, उन्हें पता है महिला सशक्तिकरण का महत्व, इसी वजह से उन्होंने विश्वास दिखा के ये टिकट दिया था। और रही बात, फिर मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि इमरान भाई से बेहतर, हमारे परिवार से बेहतर इस ज़िले को कोई नहीं जानता। पिछले 25 साल से हम यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी इसी तरीके से लड़ते हैं, इसी तरीके से लड़ेंगे। देखिए इमरान मसूद जो हैं उनकी पत्नी सायमा मसूद वो भी हमारे साथ हैं। सायमा जी देख रहे हैं कि पूरी ताकत और इतना भरोसा उनको है कि आधी आबादी हमारे साथ है, किसी और के साथ नहीं, इतने भरोसे के पीछे की वजह क्या? इस भरोसे के पीछे की वजह है इमरान मसूद साहब का, बसपा के प्रत्याशी हैं, उनकी बात आपने सुनाई और क्या इस बार प्राथमिकता रहने वाली अगर चुना जाता है मेयर के रूप में उन्हें, तो वो भी जानकारी दे रही थी। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।